हेलो बच्चों, कैसे हो? आज अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर 9। नाउ पार्ट वन आप लोग कर चुके हो, 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन सारे कर चुके हैं अपन लोग, एंड कॉन्सेप्ट्स आर वेरी 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 इजी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 11। नाउ बुक खोल के रखें, क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। टाइमिंग डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कोई भी हेल्प चीज व्हाट्सअप मुझे कर सकते हो, एंड यू कैन ज्वाइन माई इंस्टाग्राम आईडी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है? यहाँ पे नाउ बात करते हैं टीवी टावर केबल। देखो डायग्राम बुक में बना हुआ है पर एग्जाम में बना हुआ नहीं आएगा, ध्यान रखना। नाउ अ टीवी टावर केबल ए बी जो दिख रहा है ऑन ए वर्टिकल बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक। सुनो ध्यान से समझना हर चीज को। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होता है? ऊपर देखना, तो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, अवे माने डिस्टेंस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ दिस पॉइंट एट द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट निकालनी टावर की, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल मतलब बी सी निकालना है। क्या क्वेश्चन समझ में आई? क्या मुझे निकालना है भाई? ये मुझे हाइट निकालनी है और ये विड्थ निकालना है बी सी। चलो लेट्स डू वन थिंग, इसको अपन एक काम करते हैं, इसको अपन मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं अपन वाई। तो यहाँ पे मुझे x और y दोनों के दोनों मुझे फाइंड आउट करने हैं। आया समझ में? प्लीज़ मेक श्योर वीडियो पॉज करें। द मैथड शुड बी लाइक दिस कि मैं समझाऊंगा, फिर वीडियो पॉज करेंगे, फिर आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, बिकॉज डायग्राम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ गाइस टेल मी, अपन वीडियो पार्ट फर्स्ट में काफ़ी बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। मुझे बताओ दो राइट एंगल ट्राइंगल कौन से दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ए बी सी और ए बी डी, हाँ या ना? परफेक्ट। नाउ अपन कहते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, परपेंडिकुलर और बेस काम आ रहा है, तो कौन सा लेंगे? टेन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी होता है, तो टेन 60 इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, और टेन 60 कितना होता है? बोलो कितना होता है? अरे रूट थ्री होता है यार, प्लीज़ बच्चा आना चाहिए। ये वहाँ गया, एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री वाई, परफेक्ट। चलो मैं आगे, नाउ मूव करते हैं आगे। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, वहाँ पे 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा कई लोग बेस में बोलते हैं सिर्फ वाई या 20, नहीं भाई, पूरा ऐसे खुल रहा ना, ऐसे, प्लीज देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस पूरा 20 प्लस y, फोकस करना 20 प्लस y, ओके, x अपॉन 20 प्लस y। ये मिस्टेक कर देते हैं कई बार आप लोग, ठीक है, यहाँ पे ना 10 30 कितना होता है 1 अपॉन रूट 3, परफेक्ट। ना इसको वहां पर भेजा, इसको पर भेजा √3x, परफेक्ट, √3x। नाउ एक्स और वाई आ रहे हैं और मैंने एक्स को एलिमिनेट किया था यहाँ पे, बाय करूँगा मैं ना ये एक्स को, अपन इसको रिप्लेस करेंगे √3y से, 20 प्लस y, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। √3 कितना हुआ? 3y, 3y माइनस y बिकम 2y, कैंसिल करो तो y कितना आया बच्चा लोग? 10 मीटर। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स गाइस, ओके? ये हुआ y के बारे में, तो ये विड्थ कितना आया? y बोले तो कौन है मेरा? BC, ओके, BC y आया। नाउ वी नीड टू फाइंड x, सो x का दे रखा सिंपल सा, बाय 1 x इक्वल्स टू y कितना है? 10, तो 10 √3 meter, क्या फंडा, क्लियर? इजी था यार, टफ नहीं था, बहुत आसान था, इजी था, क्लियर हुआ? सबसे मेन चीज है डायग्राम बनाना, ओके, क्लियर? पॉज करें गाइस, नोट करें, चलते हैं अपन आगे। नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर की बिल्डिंग है हाई,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 degrees एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे देखना इज 45 degrees फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. नाउ क्वेश्चन समझे ना. चलो एक चीज मैंने पार्ट फर्स्ट में मैंने बहुत क्लियर आउट करी थी कि जब बिल्डिंग और टावर हो तो टावर की लेंथ क्या हाइट हमेशा बिल्डिंग से ज़्यादा होगी, ध्यान रखना. ओके कभी भी किसी का घर टावर से बड़ा तो ना होता भाई यार, यार ऐसा हो तो मुझे बुलाना जरूर, ठीक है ना. बट टावर इज ऑलवेज टॉलर देन बिल्डिंग. ओके रिमेंबर दिस गाइस. सो डायग्राम बनाते हैं अपन, ले रही बिल्डिंग लेते हैं. द टॉप ऑफ 7 meter हाई बिल्डिंग, ये कितनी है, ये 7 meter की बिल्डिंग है. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, टावर ये रहा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि कन्फ्यूजन ना हो. ये टावर है और ये भाई साहब हमारी बिल्डिंग है. ओके सो द टॉप एंगल एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर, ऊपर देखा तो 60 डिग्री बनता है. अब 60 देखो मुझे पता है कई लोगों की वीकनेस है, पता 60 डिग्री यू पूरा नहीं है. प्लीज एक रेफरेंस लाइन बनेगी ग्राउंड के लेवल पे और ये बनेगा तुम्हारा 60 डिग्री, ध्यान रखना. ऐसे पूरा मत बना देना, तो गलतियां सीखो भाई, मैं गलतियां सिखाता हूँ. कंसेप्ट तो बहुत लोग सिखा देंगे यार, पर मिस्टेक कहाँ कहाँ होती बच्चों से. ये पूरा नहीं बनता है बच्चा, सिर्फ ग्राउंड लेवल से एक लाइन बनेगी विच इज जस्ट पैरेलल टू दिस लाइन और यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा 60 डिग्री. ओके एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब नीचे देखना टू द फुट ऑफ द टावर. फुट कौन है, ये रहा ये बना, तो ये एंगल कितना बना 45 डिग्री. आई बात समझ में पक्का श्योर. तो मुझे निकालना है हाइट ऑफ द टावर, मुझे टावर की हाइट निकालनी है, इस पूरे टावर की हाइट निकालनी है. नाउ आइए समझे यहाँ पे क्या ये दो चीज़ समझे. देखो सबसे पहली चीज़ जो है ना बच्चा, लो ये दो चीज़ समझ, वीडियो को पॉज करें दोबारा समझें और जिसको नहीं आता हो सीखें कि एंगल कौन सा होगा यहाँ पे, ये वाला एंगल होगा. ओके नाउ अगर बात करी जाए तो अल्टरनेट एंगल से अपन कह सकते हैं कि ये वाला एंगल क्या होगा 45 डिग्री. अल्टरनेट एंगल यू नो जेड बनता है, 9th क्लास में पढ़ा था अपन लोगों ने, काफ़ी जगह पढ़ा था. नाउ नेमिंग करें ए बी सी डी ई. ओके नाउ आइए मुझे निकालना है हाइट ऑफ द टावर. देखो ये 7 तो ये भी 7 होगा कि नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 होगा कि नहीं होगा बच्चा. लोग जस्ट पैरेलल यू का यू एज इट इज 7 का 7 और ये ले लेते अपन एक्स ले लेते हैं, कोई तकलीफ किसी को, और बेस को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा तो अपन इसको वाई ले लेते हैं. वाई इज नॉट माई टारगेट, माई टारगेट इज टू फाइंड एक्स. ओके नाउ टोटल हाइट, हाइट ऑफ टावर कितनी होगी x प्लस 7 meter. ये बात ध्यान रखना पूरी हाइट जो टावर की जो है दैट इज x प्लस 7. यू नहीं सिर्फ x निकाल के खुश हो गए ऐसे काम मत करना हुआ, ध्यान रखना. नाउ कौन कौन से दो ट्राइंगल दिख रहे हैं प्लीज देखो. सो अब देखो एक गलती, अब बच्चों से गलती होती है, कुछ सिखाना है जिसको आता है वो स्किप करके आगे चले जाना. ट्रायंगल ये भी बन रहा है, ट्रायंगल यहाँ भी बन रहा है, ट्रायंगल यहाँ भी बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे भाई. आप लोग देखो एंगल देखो, यहाँ भी दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है, अपन ये सुनो ये लेते हैं. फोटो लिया, परपेंडिकुलर आ रहा है, बेस आ रहा है, ट्रायंगल बना ए ई डी ए ई डी ए ई डी बना. दूसरा 60 वाला और राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए बी ए सी बी ए सी. सर आपने ये ट्रायंगल क्यों नहीं लिया, ले सकते हैं उस केस में, इसको y को ये भी y मान लेंगे अपना काम हो जाएगा, पर ट्रायंगल थोड़ा दिखने में ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे. आई बात समझ में, बस दिस इज द ओनली रीजन अपन ट्रायंगल ले रहे हैं ए ई डी. सो इन ट्रायंगल ए ई डी ए ई डी 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 7 upon y 10 45 कितना होता है 1, तो y इक्वल टू कितना है 7 meter. अरे यार काश y मांगता तो मजा आ जाता ना, कितना इजी था ना, ये 7 आ गया. दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए बी सी ए बी सी ए बी सी, सो 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर x है, बेस कितना है बच्चा सुनो, ये y है तो ये भी मेरा कितना होगा y होगा कि नहीं होगा, हाँ है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए अपॉन बेस, क्लियर हुआ. 10 60 कितना होता है रूट 3,
प्लीज याद होना चाहिए। और y कितना है 7, तो मैंने उठा के तो अपना x कितना हो जाएगा 7√3 मीटर, कोई तकलीफ नहीं है। नाउ नाउ की बात करते हैं, नाउ टोटल हाइट, टोटल हाइट कितनी है x प्लस 7, ओके x कितना है 7√3 प्लस 7, हाँ है ना, या तो यहाँ छोड़ दो, बट वी कैन डू लाइक दिस, 7 कॉमन लिया, अंदर बचा √3 प्लस 1 मीटर, 7√3 प्लस 1 मीटर, आई बात समझ में, क्लियर है, इजी क्वेश्चन है यार, चैप्टर बहुत इजी है गाइस, किसी को लाइव क्लासेस चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, अपन लाइव क्लासेस भी ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, बट चैप्टर मत छोड़ना, चैप्टर इजी है, अदर देन लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, दे आर क्वाइट टफ, बट दिस इज क्वाइट इजी चैप्टर, वन ऑफ द इजी चैप्टर, ओके, पॉज करें एंड नोट करें गाइस। चलो नौ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। नाउ क्वेश्चन 13 क्या कहता है, एंड ऑब्जर्व क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है यहाँ पे, नाउ एंड ऑब्जर्व एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग, 75 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है बच्चा लोग यहाँ पे जो 75 मीटर हाई बिल्डिंग है, ओके मुझे बिल्डिंग की हाइट दे दी है यहाँ पे, लाइट हाउस द फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऊपर से कोई इंसान नीचे देख रहा है, डिप्रेशन की बात श्योर शॉर्ट है कि आदमी खड़ा है ऊपर और कोई नीचे देख रहा है, और टू शिप आर 30 and 45, देखो बच्चों दो शिप है 30 and 45, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब एक शिप यहाँ खड़ा है तो एक शिप कहाँ खड़ा है, जस्ट उसके पीछे खड़ा है, ओके ये लाइन को अंडरलाइन करना, एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, बिकॉज आर डी शर्मा इधर एक क्वेश्चन और है, सुना अभी तो दो शिप यहाँ है, एक आर डी शर्मा क्वेश्चन है कि एक शिप यहाँ खड़ा है और एक शिप उधर खड़ा है, ऐसा भी एक क्वेश्चन है, ओके तो सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बट शिप्स की डायरेक्शन बदल दी गई है कि एक शिप यहाँ और एक शिप वहाँ, यहाँ पे एक शिप यहाँ और एक शिप यहाँ है, तो देर आर टू वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन विच वी हैव, ओके और बोर्ड एग्जाम में आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ना आ जाए यहाँ पे, ये तो क्लियर है कि इसको ज्वाइन करना है और एक बार इसको ज्वाइन करना है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन ए नाम देते हैं, बी नाम देते हैं, सी नाम देते हैं, डी नाम देते हैं, ना कई लोग तो समझ चुके होंगे कि सर इसमें 30 डिग्री कौन सा है 45 डिग्री कौन सा है, बच्चा आपको बताओ ये कौन सा एंगल है 30 है या 45 है, मैं वीडियो वन में पार्ट वन में सिखा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा सोचो अब बस एक रिविजन, जिसको आता है वो स्किप करके आगे चले जाना, जितना अपन स्क्रीन के पास जाएंगे एक मूवी थिएटर में, जितना मैं स्क्रीन के आगे बैठूंगा मैं उतना मुझे ऐसे देखना पड़ेगा तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऐसा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, जितना अपन पास जाएंगे मूवी स्क्रीन के पास और जितना पीछे बैठेंगे पीछे में आराम से ऐसे मूवी देखेंगे, और पास जाएंगे तो यूं देखना पड़ेगा भाई, तो जितना पास जाऊंगा उतना एंगल बढ़ता जाएगा, तो भाई साहब ये 45 और कंपेरेटिवली ये कौन है 30, हाँ या ना, मुझे फाइंड क्या करना है, ए भी फाइंड करना है भाई साहब, तो इसको कुछ मान ले अपन, एक्स मान ले, ठीक है सर इसको तो कुछ माना ही नहीं है तो मान लो ना वाई, ओके वाई विल सपोर्ट मी, ये बेस कुछ ना कुछ तो लेके चलना पड़ेगा ना, नो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, जरा बोलो प्लीज बोलो मेरे साथ, ए बी सी डी, हाँ है ना बी सी डी, सोचा दूसरा कौन सा बन रहा है, ए सी डी, ए सी डी राइट एंगल ट्राइंगल कैसा बनेगा, क्यों ट्रिग्नोमेट्री कहां लगती है राइट एंगल ट्राइंगल पे भाई साहब, सो नाउ इन ट्राइंगल बात करते हैं बी सी डी, ओके सो 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, तो 75 अपॉन y, 10 फोर्टी कितना होता है 1, 75 मीटर, कोई तकलीफ नहीं है आराम से स्मूथली चलें आगे चलें, नाउ आगे चलते हैं अदर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी कौन सा ट्राइंगल लिया, ए सी डी लिया, सो 10 30 जरा मुझे बताओ परपेंडिकुलर क्या लोगे, बताओ परपेंडिकुलर क्या लोगे, यस 75, बेस क्या लोगे, अरे बेस क्या लोगे बच्चा, सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई या फिर x प्लस वाई, प्लीज
बेस पूरा लोगे ना, पूरा लोगे ना, तो क्या आया x प्लस वाई आया सच में। नाउ टेन थर्टी कितना होता है, कितना होता है, रूट थ्री होता है क्या, नहीं वन अपॉन रूट थ्री होता है। ओके एक्स प्लस वाई तो है ही है, इसको तो भेजो, इसको वहां भेजो। नाउ कई लोग क्या है कंसेप्ट समझ गए, स्टिल बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जहां पे कैलकुलेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की दिक्कत आती है। प्लीज बच्चा प्रैक्टिस करना और अच्छे से करना। अच्छा अगर ऐसी चीजें सुधारनी है ना तो बहुत बेसिक लेवल पे काम करना पड़ता है, दिल जान पे एकदम हिम्मत रख के काम करना पड़ता है। उसके लिए ना चैप्टर है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सॉल्व करना, अपने अपन का बन चुका है ठीक है, अपन प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छा काम करता है उस केस के अंदर, ताकि आप लोग चीज़ें आराम से कर सकते हो ठीक है ना। ना वाई 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 ये रूट थ्री, वाई कितना है, वाई को रखते हैं 75, तो उधर भेजो इसको ठीक है। अच्छा मैंने 75 कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन लिया तो इधर तो रूट थ्री बचा, सो इधर इसकी जगह क्या आएगा, वन आएगा। कई लोग जने कई बच्चे वन लिखना भूल जाते हैं, तो 75 कॉमन आया और रूट थ्री माइनस वन, तो ए बी एक्स बोले तो कौन है मेरा ए बी, तो मेरा डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आ चुका है 75 ब्रैकेट में रूट थ्री माइनस वन। क्लियर है फंडा, पक्का श्योर, पॉज करें एंड नोट करें बच्चा लोग, चलो चलते हैं। नौ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर ना। क्वेश्चन 14 क्या कहता है यहाँ पे, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, देखो यहाँ पे एक गर्ल है यहाँ पे जो कि कितनी है 1.2 मीटर टॉल गर्ल है ठीक है, यहाँ पे 1.2 मीटर टॉल गर्ल, लड़की की हाइट इतनी है। स्पॉट्स अ बलून मूविंग इन द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2, देखो ग्राउंड से उसकी जो हाइट है ना वो कितनी 88.2 मीटर हाइट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ एट अ इंस्टेंट 60 डिग्री, हो इस लड़की ने इस बलून को देखा एट अ इंस्टेंट, तो एंगल क्या बना 60 डिग्री बना, और डायग्राम बुक में गिवन है, पर नहीं भी आए तो ध्यान रखना आपको बनाना पड़ेगा। आफ्टर सम टाइम द एंगल रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, यहां से बलून यहां गया तो एंगल कितना रिड्यूस हो गया 30 डिग्री हो गया, ओके मतलब आगे गया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून है ना ड्यूरिंग द इंटरवल, ओके मतलब सुनो बच्चों कुल मिला के मुझे निकालना है ये बलून यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस मूव किया, ये एक्स निकालना है। क्या क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो को पॉज करें दोबारा सुने और समझें ठीक है यहां पे, ओके डन। तो इसको वाई मान लेते अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समझना प्लीज 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 बहुत ध्यान से देखना, ये ए ये बी ये सी ये डी और ये ई, प्लीज मुझे बता सकते हैं कौन से दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ए डी सी बन रहा है और एक ए ई बी बन रहा है। आप जरा देखो ना राइट एंगल ट्राइंगल, देखो राइट एंगल ट्राइंगल देखो और देखो एंगल ने मुंह कौन सा फाड़ा है, एंगल ने कौन सा मुंह खोला, यू खोला और एक यू खोला। कैन यू सी दैट, कैन यू सी दैट गाइस, कैन यू सी दैट, परफेक्ट। चलो यहां पर आगे, नाउ इन ट्राइंगल प्लीज देखो यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लेंगे अपन, अपन ट्राइंगल लेते हैं। और एक और चीज, एक लोचा और है, जब मैं ट्राइंगल ये ले रहा हूँ तो हाइट भी इतनी सी तो होगी, पूरी 88.2 तो ना होगी। तो गाइस सुनो, सिर्फ इतनी सी हाइट यहां तक क्या होगा, सुनो ये 1.2 तो ये भी 1.2 है ना। अब 88.2 माइनस 1.2 कितना आया, 87 मीटर आया कि नहीं आया भाई, पूरा 88.2 में से 1.2 माइनस कर दिया तो यहां से यहां तक कितना आएगा 87 मीटर, परफेक्ट ओके चले आगे। नाउ गाइस अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन ट्राइंगल ए ई बी, कई लोगों का एक डाउट होता है कौन सा ट्राइंगल ले पहला, दो ट्राइंगल से पहला कौन सा ट्राइंगल उठाएं, अरे कोई भी उठा लो यार कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ जाओ तो 10 60 डिग्री इक्वल्स टू ये कितना है 87 है, तो भाई साहब इधर भी तो ये 87 ही होगा ना पक्का, तो 87 अपॉन एक्स ये कितना होता है रूट थ्री, क्रॉस मिला करो ठीक है, प्लीज चेक करो यहां पर करते हैं रैशनलाइज करते हैं
भाई प्लस माइनस कुछ है नहीं, सिर्फ रूट थ्री है, तो रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो कितना आया 87 रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री कितना हुआ 3 हुआ, काटो कितना आ रहा 2 जा और 9 जा तो x कितना आया 29, x नहीं है, ओहो माय मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक, 87 अपन y होगा ना, ओहो किसी ने गलती नोटिस करी वाली, y 89 रूट थ्री परफेक्ट आया समझ में। नाउ आगे चलते हैं अपन, नाउ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या लोगे, सिर्फ x या सिर्फ y या x प्लस y, x प्लस y पूरा ट्राइंगल ने मुंह यूं खोला है तो क्या आएगा x प्लस y। नो 10 30 कितना होता है 1 अपॉन रूट थ्री, कोई इशू नहीं है, ये ऊपर गया ये वहां गया कोई दिक्कत की बात नहीं है। नौ ज्यादा देखो y की वैल्यू क्या है 29 रूट थ्री वहां पुट करेंगे ना अपन, चलो आगे चलते हैं। इसको वहां भेजो, कितना है 87 रूट थ्री 29 रूट थ्री माइनस हो सकता है, जरा करके देखते हैं कितना आया 8 और ये बचा 7 58, क्या माइनस सही किया है अपन लोगों ने, हाँ 7 और 8 ये बचा 58 परफेक्ट, 58 रूट थ्री मीटर ये यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ है, आया अपन समझ में। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अलग क्वेश्चन है, अभी जो तीन क्वेश्चन करेंगे थ्री क्वेश्चन अमेजिंग, इसके बाद और क्वेश्चन भी बहुत इजी है बट वो अमेजिंग क्वेश्चन है। ओके पॉज करें, नोट करें गाइस एंड वीडियो को शेयर जरूर करो यार, ऐसे मत करो, चलो आगे चलते हैं। नौ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, नाउ इट्स द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके इस चैप्टर के अंदर की मतलब एक अच्छा वैल्यूबल और एक टफ क्वेश्चन माना जाता है ना, तो ध्यान से बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको देखना। ओके कहता है स्ट्रेट हाईवे, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, एक हाईवे है जो फुट ऑफ टावर टावर की तरफ बढ़ता जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड्स आफ्टर 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। नो क्वेश्चन डायग्राम समझना, डायग्राम समझना बच्चों, एक टावर है, एक आदमी ने कार ऑब्जर्व करी, वो अभी 30 डिग्री बना रहा है, 6 सेकेंड्स के बाद वो कार थोड़ी सी करीब पहुंच गई और एंगल नोटिस किया 60 डिग्री, आई बात समझे। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर एट द पॉइंट, यहां से यहां पहुंचने में उसको कितना समय कितना टाइम लगा, कहां से कहां पहुंचने में, यहां से यहां पहुंचने में, आई बात समझ में। अब सुनो 6 सेकंड, एक तो क्या इसकी को यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब होता है जो स्पीड बदलती नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है जो बदलती नहीं है, फिक्स रेट से चल रही है वो, पहली बात तो ये क्लियर हो गई यहाँ पे। सो यहाँ पे खड़ा हुआ आदमी एक कार को ऑब्जर्व करता है विच इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड अप्रोचिंग टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर एंड आफ्टर दैट एंगल बिकम 60 डिग्री एंड आफ्टर 6 सेकंड्स यहां से यहां 6 सेकंड तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 6 नहीं। अब आप समझो जरा प्लीज बहुत ध्यान समझना, इसमें बहुत गलतियां हो सकती है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक चीज समझो, अपन ने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, अपन ने क्या निकाला, अपन ने डिस्टेंस निकाला, क्या निकाला डिस्टेंस निकाला है अपन ने हमेशा, तो डिस्टेंस या हाइट है ना, तो 6 सेकंड बाद पहुंचा तो अपन जनरली इसको ना कहेंगे कि भाई ए से लेके बी तक डिस्टेंस 6 सेकंड्स हुई, नहीं डिस्टेंस हमेशा मीटर सेंटीमीटर और किलोमीटर में ही नापी जाएगी, 6 सेकंड्स मत लिखना, यही सबसे बड़ी गलती होती है आप लोगों से। अपन कहेंगे आप सुनो, अब इधर आओ, अपन करते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार
बी एक्स किलोमीटर, नहीं किलोमीटर है मीटर है, यहाँ पे क्या चलता है, हाइट कुछ दे रखी है अपन को यहाँ पे, कुछ नहीं दे रखा है अपन को, अपन कह सकते हैं कुछ भी एक्स मीटर पर सेकेंड, कोई इशू नहीं है। अच्छा सबको पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, हाँ या ना, हाँ या ना, यस पक्का। चल सोचो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या होगा, स्पीड क्या है एक्स, टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड, तो कहने से 6x मीटर, हाँ या ना, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या कह सकते अपन 6x, यस और नो, यस और नो बोलो मुझे, पक्का श्योर। नाउ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का मुझे टाइम निकालना है, मुझे निकालना क्या, एक्चुअल मुझे निकालना है बच्चों टाइम BC का, यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम कितना लगा, तो अपन कहते हैं लेट द टाइम टेकन टू रीच बी टू सी इक्वल्स टू टी सेकेंड, यहां से यहां पहुंचने का इसको लगा टी सेकेंड्स लगा। ओके तो डिस्टेंस निकालते हैं अपन बी सी का, विच इज स्पीड इनटू टाइम, बच्चों स्पीड को मैंने माना एक्स और टाइम है मेरा टी, ठीक है, तो यहां से हमें लगता है x t, हाँ या ना, पक्का श्योर। सबसे मेन काम इस क्वेश्चन को समझने का ये वाला पार्ट है, हल्का सा कम समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे जाके वापस देखें, पीछे जाके वापस देखें और दोबारा समझे इस चीज़ को कैसे क्या हुआ है, क्योंकि डिस्टेंस चाहिए मुझे, ठीक है ना। जनरली अपन कहते हैं तेरा घर कितना दूर है, ए मेरा घर 5 मिनट की दूरी पे, अरे भाई गलत है, कल को रेंगते पे आया, बैलगाड़ी पे आया, कल को वो बाइक पे आया तो जल्दी पहुंचेगा ना, ऐसे गलत चीज होती है कि मेरा घर 5 मिनट की दूरी पे, अरे गलत है भाई, डिस्टेंस ये डिस्टेंस, ओके तो अपन डिस्टेंस प्रॉपर निकाला यहाँ पे। नाउ इसको अपन वाई मान लेते हैं, सो दिस वाज अ मेन पार्ट, नाउ क्वेश्चन में आ जाओ यहाँ पे, नाउ इन ट्राइंगल, आ जाओ कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ए डी सी और बी सी डी बन रहा है, अपन लेते हैं कौन सा लेते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी लेते हैं, आ जाओ तो 1060 परपेंडिकुलर वाई है, अपन बेस कितना है एक्स टी, तो भाई साहब 1060 कितना होता है रूट थ्री, तो वाई इक्वल्स टू कितना आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपन इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी है ना, ए सी डी 1030 degrees परपेंडिकुलर, बेस क्या लोगे भाई साहब, दिस प्लस दिस पूरा पूरा, तो 6x प्लस एक्स टी, परफेक्ट। नाउ 1030 कितना होता है, 1/√3 यही लिख दिया अपन ने, इसको वहां भेजा, कोई तकलीफ किसी को, पक्का कोई तकलीफ नहीं है। नाउ और इसको वहां भेजा तो √3y, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। नाउ गाइस आपका वाई कितना था, √xt, इसको उठा के यहाँ पुट करो तो क्या आया √3, है ना, प्लस xt, अरे मस्त क्वेश्चन, √3 √3 कितना हुआ 3 हुआ, xt हुआ, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और 6 प्लस t आया, पक्का xx गॉन, तो 3t इक्वल्स टू 6 प्लस t, ये वहाँ आगे माइनस हुआ 3t माइनस t हुआ, कितना बचा 2t, तो t कितना आया 2 सेकेंड्स, क्या आया बस 2 सेकेंड्स आया, क्लियर है पक्का। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन, द मेन पार्ट इज दिस कि आपको ये समझना होगा, क्लियर है यहाँ पे, तो वीडियो पे पॉज करें, नोट करें, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे व्हाट्सएप करें, ओके चलो आगे चलते हैं भाई।
सो गाइज लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. नाउ इट्स अ इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, मेक श्योर आप लोग वो भी करेंगे. अपन एग्जाम्पल सीरीज बनाएंगे, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. ओके, नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्वेश्चन पे आ जाइए. द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब मैं ऊपर देख रहा हूँ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर. अंडरलाइन करें फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, अंडरलाइन करें फ्रॉम द बेस ऑफ टावर. एकदम डीजे से फ्रॉम द बेस ऑफ टावर. ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक टावर है, दो पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन चल रहा है, मतलब मैं ऊपर देख रहा हूं, और कहता है एक है डिस्टेंस 4 मीटर एंड दूसरा है 9 मीटर. कहां से? फ्रॉम द बेस ऑफ टावर. अंडरलाइन करें तो 4 तो यहां से यहां तक, और 9 कहां तक? यहां से यहां तक. तो टावर का भाई साहब, ओ मेरे भाई साहब, टावर का बेस कौन होगा? यही तो होगा. बिकॉज अक्सर लोग क्या करते हैं, सिर्फ 9 इसको नोट कर लेते हैं और गलत हो जाता है. तो स्पेशली ध्यान रखना 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर. ओके, नाउ एंड इज द सेम स्ट्रेट लाइन विद इज कॉम्प्लीमेंट्री. ओके प्रूव द हाइट इज 6 मीटर. ठीक है, लास्ट लाइन जो है वो शायद नहीं देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब वो खास बात क्या है ना, बोलता है दोनों एंगल जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है. अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था 8.3 के अंदर. नाउ इमेजिन अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा. जिसको नहीं पता है ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे होते हैं. ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे होते हैं, अगर एक एंगल थीटा है दूसरा होगा 90 माइनस थीटा. ध्यान रखना अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा. नाउ नाम लेते हैं ए बी सी डी, इसको अपन मान लेते हैं एच. ओके, हाइट. नाउ कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बी सी डी और ए सी डी. अब तो धुरंधर हो चुके हो यार. सो टेन थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन 4, इसको 1 नाम देना. कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल बी सी डी. कोई इशू किसी को, सीखना प्रोसेस सीखना, इन ट्रायंगल ए सी डी. प्लीज आओ, ए सी डी का एंगल कैसा दिख रहा है, 90 माइनस थीटा. क्या दिख रहा है, 90. तो 10 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर एच अपॉन, अरे बेस क्या लोगे, बेस लेंगे क्या लेंगे, 9 लेंगे. यहां तो पहले से दे रखा है कि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी दे रखी है मुझे, 9 दे रखी है. तो अपॉन 9 हो जाएगा. अब एक फॉर्मूला सीखो, क्या आपको पता है 10 90 माइनस थीटा. मुझे पता है कई लोग तो भूल चुके होंगे, कॉट थीटा. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यार 8.3, यस परफेक्ट 3 है. यस 10 90 थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है. तो इसको क्या लिखेंगे अपन, कॉट थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन 9. इसको नाम देंगे 2 और इसको देंगे 1. अब क्या करेंगे अपन, 1 into 2 कर देंगे. ध्यान रखना 1 into 2 कर देंगे. तो LHS RHS वाला मामला होगा LHS से. तो क्या होगा, 10 थीटा into cot थीटा इंटू कॉट थीटा एच बाय 4 इंटू 9 एच बाय 9. ठीक है ना, हमको पता है क्या कि टेन थीटा होता है, वो तो होता है, पर कॉट थीटा जो होता है 1/10 थीटा होता है, जस्ट उल्टे होते हैं. एच इंटू एच, एच स्क्वायर, 9 4 जा 36, ये दूसरे को काटा कट गए, कितना बचा, 1 बचा 1. तो 1 इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 36 है ना. फिर तो एच स्क्वायर इक्वल टू 36, ठीक है, एच इक्वल टू 6, क्यों 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है. अच्छा कई लोग ऐसे लोग कहेंगे सर प्लस माइनस आएगा ना, प्लस माइनस आएगा, पर गाइस हाइट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए अपन ने सिर्फ और सिर्फ प्लस लगाया है. क्या बात समझ में आई, क्वेश्चन वॉज ईजी एंड ऐसा एक एग्जाम्पल में भी आता है. ठीक है, आपको लिखा हुआ बहुत दिख रहा है, बट क्वेश्चन में कुछ कुछ कैलकुलेशन आप लोग हटा सकते हैं यहाँ से, इट्स नॉट ए बिग डील. आप लोग डायरेक्टली ये और ये काट सकते हैं, नॉलेज हमारे पास पूरा है, हमें एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है.
क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, मार्क करें इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, क्लियर है? तो गाइस वीडियो को पॉज जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, बस सब्सक्राइब जरूर करें। चलो गाइस, गुड बाय। एंड कुछ और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ और क्वेश्चन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। क्लियर? गुड बाय गाइस।